नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी पलाश के फायदों के बारे में जानते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, मगर जब तक आपको किसी भी वनस्पति की जानकारी नहीं है तब तक वह वनस्पति आपके लिए व्यर्थ ही है। लेकिन जब आप उसके सही गुणों को जान और पहचान जाते हैं तब आप कह उठते हैं, अरे ये तो हमें पहले नहीं पता था। इसी में से एक नाम है पलाश। तो आइए आज हम सभी पलाश के गुणों को जानते हैं। दूध के साथ प्रतिदिन एक पलाश पुष्प पीसकर दूध में मिला के गर्भवती माता को पिलाइए तो इससे बल वीर्यवान संतान की प्राप्ति होती है, यानी कि संतान मजबूत होता है। यदि किसी कारण से आपका अंडकोश बढ़ गया हो तो पलाश की छाल का 6 ग्राम चूर्ण पानी के साथ निगल जाइए, आपको लाभ होगा। अगर किसी महिला को गर्भधारण करते ही अगर गाय के दूध में पलाश के कोमल पत्ते पीसकर पिलाया जाए तो शक्तिशाली और पहलवान बालक पैदा होता है। पलाश के बीजों को मात्र लेप करने से महिलाएं अनचाहे गर्भ से बच सकती हैं। यदि पेशाब में जलन हो रही हो या पेशाब रुक रुक कर हो रहा हो तो पलाश के फूलों का 1 चम्मच रस निचोड़कर दिन में 3 बार लीजिए, आपको लाभ होगा। यानी कि पेशाब जो रुक रुक कर आ रहा होता है वो ठीक हो जाएगा। बवासीर के मरीजों को पलाश के पत्तों का साग ताजे दही के साथ खाना चाहिए, लेकिन साग में घी ज़्यादा होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। बुखार में शरीर बहुत तेज दहक रहा हो तो पलाश के पत्तों का रस लगा लीजिए, शरीर पर 15 मिनट में सारी जलन खत्म हो जाती है। बुखार में अगर शरीर बहुत तेज दहक रहा हो तो पलाश के पत्तों का रस लगा लीजिए, शरीर पर 15 मिनट के लिए आपको लगाना होगा, इसके बाद आपका बुखार खत्म हो जाएगा। जो घाव भर नहीं रहा हो उस पर पलाश की गोंद का बारीक चूर्ण छिड़क लीजिए, फिर देखिए घाव कैसे भर जाता है। फील पाँव या हाथी पाँव में पलाश की जड़ के रस में सरसों का तेल मिलाकर रख लीजिए बराबर मात्रा में, और फिर सुबह शाम 2-2 चम्मच पीजिए, आपको लाभ होगा। यदि आपको नेत्रों की ज्योति बढ़ानी है तो पलाश के फूलों का रस निकालकर उसमें शहद मिला लीजिए और आंखों में काजल की तरह लगाकर सोया कीजिए। अगर रात में दिखाई न देता हो तो पलाश की जड़ का अर्क आंखों में लगाइए, लाभ होगा आपको। लोगों में होने वाली नपुंसकता की चिकित्सा के लिए भी इसके बीज काम आते हैं, अन्य दवाओं में मिला के इसका प्रयोग किया जाता है। शरीर में अंदर कहीं गांठ उभर आई हो तो इसके पत्तों को गर्म करके बांधिए या उनकी चटनी पीसकर गर्म करके उस स्थान पर लेप कीजिए, गांठ खत्म हो जाएगी। इसके बीजों को नींबू के रस में पीसकर लगाने से दाद खाज खुजली में आराम मिलता है। इसी पलाश से एक ऐसा रसायन भी बनाया जाता है जिसे अगर खाया जाए तो बुढ़ापा और रोग आसपास नहीं आ सकते हैं। इसके पत्तों से बनी पतलों पर भोजन करने से चांदी के पात्र में किए गए भोजन के समान लाभ प्राप्त होता है। पहले लोग शादी ब्याह और अन्य संस्कार में पत्तल और दोने पलाश का ही बनाया करते थे या मंगवाया करते थे, आज की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ रहते थे इसीलिए वो लोग। इसका गोंद हड्डियों को मजबूत बनाता है। पलाश का 1-3 ग्राम गोंद मिश्री युक्त दूध अथवा आंवले के रस के साथ लेने से बल एवं वीर्य की वृद्धि होती है तथा अस्थियां मजबूत बनती हैं और शरीर पुष्ट होता है। वसंत ऋतु में पलाश फूलों से लद जाता है। इन फूलों को पानी में उबालकर केसरी रंग बनाएं। यह रंग पानी में मिलाकर स्नान करने से आने वाली ग्रीष्म ऋतु की तपन से रक्षा होती है तथा कई प्रकार के चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। महिलाओं के मासिक धर्म में अथवा पेशाब में रुकावट हो तो फूलों को उबालकर पुल्टिस बना के
पेंदु पर बांधे अंडकोशों की सूजन भी इस पुलटिस से ठीक होती है। रतौंधी की प्रारंभिक अवस्था में फूलों का रस आँखों में डालने से लाभ होता है। आँख आने पर फूलों के रस में शुद्ध शहद मिलाकर आँखों में लगाइए, लाभ होगा। पलाश के बीजों में पहला सोनिन नामक तत्व पाया जाता है, जो एक उत्तम कृमि नाशक है। 3 से 6 ग्राम बीज का चूर्ण सुबह दूध के साथ 3 दिन तक दें। 4th दिन सुबह 10 से 15 मिलीलीटर अरंडी का तेल गर्म दूध में मिलाकर पिलाएं, इससे पेट की कृमि बाहर निकल जाएगी। पलाश बीज चूर्ण को नींबू के रस में मिलाकर दाद पर लगाने से दाद मिट जाता है। पलाश के बीज और मदार के दूध में पीसकर बिच्छू दंश की जगह पर लगाने से दर्द मिट जाता है। नाक, मल, मूत्र मार्ग अथवा योनि द्वारा रक्त स्त्राव होता हो तो छाल का काढ़ा 50 मिलीलीटर बनाकर ठंडा होने पर मिश्री मिला के पिलाइए। इसे इन्हीं गुणों के कारण ब्रह्मा वृक्ष कहना उचित है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि पलाश हमारे लिए कितना लाभकारी होता है अगर हम इसका सही ढंग से उपयोग करते हैं। तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे ऐसी ही कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, नई औषधि लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।